फिर से मैं लाया हूँ यूट्यूब चैनल साइंस स्किल पे आपका इंडियन नेवी का प्रैक्टिस साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? तो हमेशा अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। अगर यही बड़ा के जगह पे छोटा पूछता तो हम उत्तर को कन्वर्ट करते उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52.5 यानी कि 52.5 तथा -2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो फोकस दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर उसका होगा 0.02 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कितना होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और सीधा। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है किस रंग में? तो नीले प्रकाश के लिए नीले रंग में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो बाकी सब विद्युत चुंबकीय तरंग है लेकिन ध्वनि चुंबकीय तरंग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर उस स्थान पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालें जहां विद्युत तीव्रता 250 वोल्ट है। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है। 2.21 × 10⁻⁹ कूलम मीटर स्क्वायर होगा पर मीटर स्क्वायर। जहां पे विद्युत तीव्रता 250 वोल्ट रहता है तो पृष्ठ घनत्व 2.21 × 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। आवेशित अविष्ट खोखले खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता, तो हमेशा बहुत बार प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड हो गया होगा, क्वेश्चन मिल गया होगा कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है और इनके बीच की दूरी इतनी है, ये 4 × 10⁻³ m है, तो इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन बल कितना होगा? तो 4 × 10⁻½ N होगा कूलम्ब बल के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है वे समांतर क्रम जुड़े हैं, तो धारिता समांतर क्रम में हमेशा धारिता को सीधा जोड़ दिया जाता है तो C1 और C2 का जोड़ हो जाएगा। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो प्रेरण कुंडली द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टेज। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, इनके द्रव्यमान ऊर्जा में कौन सही संबंध दिखाता है? तो E=mc² सही संबंध है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या जेड है और परमाणु संख्या ए है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ए में से जेड को घटा दिया जाता है तब जाके न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। ऊर्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है बट इसको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके कितना होगा? तो 10⁷ अर्ग, क्योंकि 1 जूल = 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान सदिश P तथा इसका परिमाण भी P है तो उसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 120 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम द्रव्यमान का पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड एक दीवार से भी वेग के सीधे संघात करता है तो संवेग में परिवर्तन कितना होता है? तो अगर एम द्रव्यमान वाला अगर प्रत्यास्थ पिंड के दीवार से भी वेग से अगर सीधे टक्कर मारता है तो उसमें संवेग 2 mv के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल लोलक पर ऊपर जाते हुए लिफ्ट में दोलन क्या होगा? तो दोलन हमेशा बढ़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो दोलन बढ़ेगा, अगर नीचे आ रहा होगा तो घटेगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा? तो हमेशा बढ़ेगा, याद रखिए घूमना बंद होगा तो वजन आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट है ताप की वृद्धि से द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घटता है, दाब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो दाब जो है घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा सॉरी। नेक्स्ट है यांत्रिक कार्य उष्मा का अनुक्रमानुपाती होती है कौन से नियम से? तो उष्मा गति के पहले नियम से। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि व्यतिकरण है। नेक्स्ट है फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप क्या है? तो फास्फोरस का अपरूप है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, लेकिन सबसे अस्थायी है लाल फास्फोरस। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं एल्किन, CnH2n का को अल्किन के श्रेणी में रखा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो रॉकेट को चलाने के लिए जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको परनोदक कहा जाता है। आवास के जैविक घटक को क्या बोलते हैं, घटक कौन सा है? तो आवास के जैविक घटक केवल जंतु हैं जो आवास बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल जंतु। उपापचयी प्रतिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं कौन? तो एंजाइम। उपापचयी प्रतिक्रिया का उत्प्रेरण कौन करते हैं? तो एंजाइम। इस तरह से इस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। थैंक यू, मेरे से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को ताकि मेरे जो भी वीडियो इंडियन एयरफोर्स नेवी की जो भी मॉडल सेट की क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएगी सीधा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक्स।